May 10, 2023, बुधवार, पास्का का पांचवा सप्ताह, पहला पाठ, प्रेरित चरित 15:1-6। कुछ लोग यहूदिया से आए और भाइयों को ये शिक्षा देते रहे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस और बरनाबस तथा उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा अध्यक्षों से परामर्श करेंगे कि कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया तथा समरिया होकर यात्रा करते हुए वहां के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बड़ा आनंद प्रदान करते थे। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा अध्यक्षों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और अध्यक्ष इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। सुसमाचार, यूहन 15:1-8। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मनन चिंतन, क्या कोई भी व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध चलकर अपने जीवन में तरक्की कर सकता है? अगर ईश्वर ही सब प्रकार के वरदानों के दाता है, सब कृपाओं के स्रोत है, तो हम ईश्वर से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि वह दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे तब तक हम खूब फल देंगे, लेकिन अगर हम उनसे जुड़े नहीं रहेंगे तो सूख जाएंगे। हमारे जीवन की सफलताएं ही हमारे फल हैं। ईश्वर की संतान होने के कारण हमें दुनिया को ईश्वर का साक्ष्य देना है, लेकिन यदि हम ईश्वर जुड़े नहीं रहेंगे तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु से हम कैसे जुड़े रह सकते हैं ताकि हम खूब फल उत्पन्न करें? कलीसिया बहुत सारी आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन करती है, उनमें भाग लेकर हम ईश्वर से और अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। जब हम मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हम उनके साथ एक हो जाते हैं। जब हम पाप स्वीकार संस्कार में ईश्वर से मेल मिलाप करते हैं तो हम उनके साथ एक हो जाते हैं। जब हम अपने परिवार में एक साथ मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो न केवल पूरा परिवार एक सूत्र में बंधता है बल्कि पूरा परिवार ईश्वर से भी जुड़ता है। पवित्र माला विनती भी माता मरियम के द्वारा ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है।